इलास्टिसिटी, देखो इलास्टिसिटी के अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट था हुक्स लॉ से, जो क्या बताता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ग्राफ प्लॉट करने को आएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो स्ट्रेट लाइन आपने इसमें ड्रॉ करना है, ठीक, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है, तो स्ट्रेस इज सम कॉन्स्टेंट इंटू स्ट्रेन, तो कॉन्स्टेंट क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तीन किस्म के स्ट्रेन है, लेंथ में स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल बाय एल, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूम के अंदर क्या है, डेल्टा वी बाय वी, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर एक किसी भी चीज़ को, एक रॉड को आपने टेढ़ा कर दिया, नीचे का बेस फिक्स्ड है, तो आपका ये कितना एंगल बेंड हुआ है, उसे बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। तीन किस्म के स्ट्रेन याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर क्योंकि कॉन्स्टेंट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, तो अगर आपका स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है, तो इस कॉन्स्टेंट का नाम है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो ये आपका यंग्स मॉडुलस है। नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है माइनस साइन इसलिए क्योंकि हम किसी भी बॉल को जब कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला माइनस डेल्टा पी या पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी याद रखना है। और शेयर मॉडुलस जो है गलत है, शेयर मॉडुलस स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया बाय शेयर स्ट्रेन थीटा, ये याद रखने हैं। तीन फॉर्मूलास काम के फॉर्मूला इसमें, हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं उसे, मॉडुलस गलत है। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर ये आ सकता है, इलास्टिक वायर है, लेंथ एल है, आपने उसे कितना खींच दिया बाय डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एल एक्सपैंड कर दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ। तो ऐसा करने में आप वो अमाउंट जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वो कैलकुलेट करने का तरीका है यंग मॉडुलस इज फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल की जगह स्मॉल एल बाय कैपिटल एल मल्टीप्लाई करके आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की। जब आप उसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, एफ इनटू डीएल, एफ की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट करके आपके पास ये टर्म आ गई। आपने उसको एक्सपेंड किया वायर को जीरो से स्मॉल एल, तो इंटीग्रेट करो जीरो से स्मॉल एल, एल स्क्वायर बाय टू आ गया, तो आपके पास ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। स्मॉल एल एक्सपेंशन को एल इंटू एल किया, ये पूरी टर्म, पूरी की पूरी टर्म फोर्स है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर हाफ इंटू स्ट्रेस हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल। ये पहला फॉर्मूला है, ड्राइव हो जाएगा यहाँ तक, ड्राइव हो जाएगा पेपर में यहाँ तक वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। और इसमें वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर को दोनों साइड से वॉल्यूम ऑफ वायर से डिवाइड कर दो, तो आपके पास वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। तो फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस है, एल बाय एल क्या है, स्ट्रेन है। तो वर्क डन पर यूनिट वायर का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ, या आगे डिस्कस किया गया, इसको आगे से देखेंगे। न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में सब कुछ मेंशन है इसमें, कि कैलकुलेट इंक्रीज एनर्जी ऑफ द बार, आपने कितना वर्क डन किया या कितनी इंक्रीज इन एनर्जी हुई, एक ही बात है, जिसका आपको लेंथ पता है, एरिया पता है, और कंप्रेस बाय अ लोड ऑफ 5 केजी वेट। केजी वेट का मतलब होता है इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगी वैल्यू, फोर्स की आ जाएगी। तो ये फोर्स की वैल्यू है, एरिया आपको पता है, एल आपको पता है, तो आपने सीधा वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है हाफ इंटू इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 केजी वेट, आपको ना डेल्टा एल नहीं गिवन, तो आप साइड पे यंग्स का फॉर्मूला लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल ने, इस डेल्टा एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, और ये वैल्यू में फोर्स, लेंथ, वाई और ए को पुट करें, और आपके पास इंक्रीज एनर्जी या वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का फॉर्मूला आएगा। इसमें जैसे सपोज नेक्स्ट, इसमें बेसिक न्यूमेरिकल तो है ही है यंग्स के, ये आ सकता है स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का ग्राफ। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ में आपने कुछ स्टेजेस डिस्कस करनी है। जब आप किसी भी इलास्टिक वायर को खींचते हैं तो शुरू शुरू में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और खींचते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहता, तो आपने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, थोड़ा सा कर्व बनाना है, इट शोज स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर आप और खींचते हैं और इस तरीके का बिहेवियर है। इसमें आपको स्टेजेस मेंशन करनी है। आपकी पहली स्टेज है जिसमें स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओ ए आपने मेंशन करना है, ओ से लेके ए तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुक्स लॉ ऑफ ए किया जा रहा है। फिर ए से लेके बी तक स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर हाँ आप अगर बी से उस स्ट्रेच्ड वायर को छोड़ दें तो अपने ओरिजिनल वायर शेप को रीगेन कर लेगा। तो
तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं हुई। तो इस पॉइंट का खास नाम है इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। अगर आपने इससे ज़्यादा वायर को खींच दिया तो वो लूज हो जाएगी परमानेंटली, उसके अंदर परमानेंट सेट, परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। फिर आप और खींचते हो तो फिर वो वापस नहीं आ पाती, उसका प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली वायर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ब्रेकिंग पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। अपने वर्ड में इन सभी स्टेजेस को आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है ये नहीं आएगा। जैसे लेंथ ऑफ द वायर अगर L1 है, जब उस वायर में टेंशन या फोर्स T1 है, लेंथ कितनी होगी L2 हो गई, जब टेंशन T2 हो गई, तो ओरिजिनल लेंथ वायर की क्या है ये बताएं, क्योंकि मटेरियल वायर का सेम है तो Y की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है। तो आप एक काम करें, मान लो ओरिजिनल लेंथ इसमें वायर की L है, पहले केस में यंग मॉडुलस क्या होगा, फोर्स बाय एरिया डेल्टा L1 बाय L, दूसरे केस में क्या होगा, फोर्स बाय एरिया डेल्टा L2 बाय L। तो यहां से Y और Y को इक्वेट कर लेंगे, L और L कैंसिल, डेल्टा L1 की वैल्यू क्या आएगी L1 माइनस L, और डेल्टा L2 की वैल्यू क्या आएगी L2 माइनस L। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास L की वैल्यू ये आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके L आएगा। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसमें ये कॉम्पिटिशन क्या है, कुछ नहीं है, ये रहा, विच इज मोर इलास्टिक स्टील या रबर। तो आपने लिखना है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। वो पूछेगा क्यों, तो आपने लिखना है कि स्टील का यंग मॉडुलस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रबर का यंग मॉडुलस, इसका रीजन है। एक नंबर में आए तो इट सफिशियंट है, दो नंबर में। लेकिन अगर पूछ रहे ऐसा भी क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है और लिखना चाहते हो, तो आप वाई का फॉर्मूला लिख लें। वाई के फॉर्मूले में आप लिखें कि एक मैंने स्टील वायर ले ली, एक मैंने रबर वायर ले ली, मैंने सब पे फोर्स लेंथ और एरिया सेम रखा, तो ये देखा गया कि रबर बैंड का डेल्टा एल काफ़ी ज़्यादा था, एक्सपेंशन ज़्यादा थी, तो डेल्टा एल ज़्यादा था तो रबर का वाई कम था, इसलिए वो कम इलास्टिक है। ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है इसे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। एक वायर है, एक स्टील की, एक ब्रास की, नीचे दो मासेज हैं 4 और 6 kg। आपको इसमें बताना है कि डेल्टा एल की वैल्यू इसमें क्या होगी ऊपर और दोनों केसेस में। तो जब आप स्टील का एग्जांपल लेंगे, स्टील की लेंथ आपने 1.5 लेनी है, स्टील पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स लग रही है इसका वेट और इसका वेट मिला के, यानी कि 4 और 6 kg, यानी कि 10 kg का वेट, तो यानी कि 10 × g लगेगा, 10 × g। लेकिन जब आप ब्रास की बात करेंगे तो वेट क्या लगेगा इसमें, 6 kg, 6 kg का मतलब 6 g लगेगा, 6 g। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यंग मॉडुलस के फॉर्मूले में लेंथ पता है और यहाँ पर क्या पता है इसमें वैल्यू आ जाएगी फोर्स की 4g, और 4g प्लस 6g सॉरी 10g, और यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ 6g। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू दोनों केस में कैन बी कैलकुलेटेड, यंग्स का फॉर्मूला लगा लेना। मेन बात थी इसमें फोर्स, सस्पेंडेड ओन वेट, ये सब कॉम्पिटिशन की चीज़ें हैं सारी, इसे याद कर सकते हैं। अगर दो स्ट्रिंग्स, इलास्टिक स्ट्रिंग्स अगर पैरेलल में है तो वाई का फॉर्मूला y1 + y2 / 2 सफिशियंट है, और अगर सीरीज में है तो 2y1 y2 / y1 + y2 सफिशियंट है फॉर्मूला। प्रूफ तो आएगा नहीं इसमें, ये क्वेश्चन आएगा नहीं। नेक्स्ट इसमें जैसे नहीं, ये भी मुश्किल है, मुश्किल है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बी या के माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। बल्क मॉडुलस के अंदर जैसे आप लिक्विड्स में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है, लिक्विड का एच रो जी, डेल्टा पी एच रो जी हो जाता है। तो क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ द मीडियम इज चेंज फ्रॉम इतने पास्कल टू इतने पास्कल, दोनों को माइनस करेंगे फाइनल एंड इनिशियल तो डेल्टा पी आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम 10% गिवन है, डेल्टा वी बाई वी 10% गिवन है। कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट फाइंड बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना, डेल्टा वी पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। बल्क मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो प्लीज मैग्नीट्यूड में ही काम करना, मॉड लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बल्क मॉडुलस के कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो फॉर्मूला पुट करना आंसर आएगा। जैसे नेक्स्ट इसमें ये रहा कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के इज सराउंडेड बाय अ लिक्विड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो एक ना स्फीयर को पानी से घेर लिया गया,
मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो एक सिलेंडर है, उसमें पानी है, उसके अंदर स्फेयर है, ऊपर पिस्टन भी लगा। व्हेन मास एम इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन टू कंप्रेस द लिक्विड फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो एक सिलेंडर के अंदर बॉल है, अंदर पानी है, ऊपर पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर एम मास है। तो पिस्टन दब गया, पानी कंप्रेस हो गया, पानी ने बॉल को कंप्रेस कर दिया। ठीक, तो क्या निकालना है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तो प्रेशर लगा कौन रहा है? पिस्टन मासलेस है, पर जो मास एम लगाया पिस्टन के ऊपर, उसका भार कितना होगा? एम जी अपॉन पिस्टन का एरिया, ये प्रेशर लगेगा ऊपर। ये प्रेशर लगा, वॉल्यूम आपको पता है, एरर का रूल लगा लो, डेल्टा वी बाई वी थ्री इंटू डेल्टा आर बाई आर। तो यहां से बल्क मॉडल्स की डेफिनेशन लिखो, डेल्टा वी बाई वी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। डेल्टा वी बाई वी की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट करो, यहां से डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा। प्रेशर आपको पता है एम जी बाई ए, तो ये आंसर आएगा। आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बता दिया कि बल्क मॉडल्स के, देखो यंग्स के दो तीन न्यूमेरिकल कर लिए, बल्क के दो दो कर लिए, आपने ज्यादा करने हैं। आपको तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई दी हुई है मैंने, आपने सारी करनी है, पर मैं आपको जस्ट मेन मेन चीज बता रहा हूँ कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। अफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये डेरिवेशन बनती है। तो जिसके अंदर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, इसमें डेल्टा रो बाय रो इज माइनस डेल्टा वी बाय वी, वो एरर वाला रूल लगा लेना है इसमें, मास तो कॉन्स्टेंट है। तो डेल्टा वी बाय वी माइनस यहां ले जाओ, माइनस डेल्टा रो बाय रो। बल्क मॉडल्स का ये फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू आ गई, डेल्टा वी बाय वी ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों को इक्वेट करके ये टर्म आ गई। डेल्टा रो का मतलब नई डेंसिटी माइनस पुरानी डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, रो डैश बाय रो, रो बाय रो वन है, वन राइट साइड पे चला गया और ये रो डैश की वैल्यू आ गई। ये अफेक्ट ऑफ डेंसिटी है, वेयर वन बाय के को लिखते हैं सी, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो ये डेरिवेशन है, और सीधा अगर फॉर्मूला कहीं न्यूमेरिकल में काम आए कि बल्क मॉडल से डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो ये सीधा फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। मुश्किल है वैसे डेरिवेशन, मुश्किल आनी मैंने बता दी, लेकिन वैसे थोड़ी सी मुश्किल है। तो मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको कुछ ऐसा केस देगा कि ये ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब है, आपने टेंजेंशियल फोर्स लगा के इसको शिफ्ट करवा दिया। जब आपने इसको शिफ्ट करवाया, आपको इसमें इंक्रीज इन लेंथ कि कितना शिफ्ट हुआ डेल्टा एल, ये बताना है। शेयर मॉडल्स में ना टेंजेंशियल लेंथ निकालनी होती है, वायर लंबी तो होती नहीं, टेढ़ी हो जाती है, कितनी टेढ़ी हुई डेल्टा एल ये आपको बताना है। तो आप एक काम करें, ये लंबाई आपको पता है, ये आपको निकालनी है डेल्टा एल। तो आपने कितनी फोर्स लगाई एफ, और ईटा आपको पता है, ईटा का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया अपॉन थीटा। लेकिन थीटा निकालने का तरीका इसमें एक ही है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो जहां थीटा चाहिए होगा शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेन थीटा टू डेल्टा एल बाय एल, शेयर स्ट्रेन में डेल्टा एल बाय एल लगा लेना, तो आपके पास ये टर्म आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, आपको फोर्स, लेंथ, ईटा ये सब गिवन है, डेल्टा एल कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे आप शेयर मॉडल्स के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें, ये नहीं आता। फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर के ऊपर भी देखो, अगर आप कहोगे इतनी लंबी चौड़ी कहानी, कुछ नहीं आने वाली है आपको। हाँ, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बर्नौलीज तक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि पॉइंट्स के प्रेशर कैसे निकलते हैं, तो आपको काफ़ी डिटेल में करवाया था, उतनी डिटेल में एनसीईआरटी नहीं पूछती। तो फ्लूइड प्रेशर में ये कुछ नहीं है, फ्लूइड प्रेशर कुछ नहीं करना है इसमें। पहली डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में आ सकती है कि प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन गिवन होंगे, डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, लिमिट अप्रोचेज टू डेल्टा ए टू जीरो का मतलब इट्स अ पॉइंट मास, किसी भी पॉइंट का प्रेशर में डेल्टा ए को हम जीरो कर देते हैं तो ये डी ए बन जाता है, डी एफ बाई डी ए क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेशर। ये ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आ सकता है, किसी भी पॉइंट का प्रेशर। दूसरा पास्कल लॉ आ सकता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ अगर एक इंक्लोज बंद फ्लूइड है और हर तरफ से बंद है, तीन पिस्टन लगा रखे हैं, तो अगर मैं एक प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ एक जगह से, तो वो प्रेशर हर पॉइंट पे प्रोड्यूस हो जाता है, और अनडिमिनिश्ड का मतलब बिना कम हुए, बराबर बराबर प्रेशर हर पॉइंट पर डेवलप हो जाएगा, इसको पास्कल लॉ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाया फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ पे कितना डेवलप हो जाएगा, एफ बाय टू बाय ए बाय टू, ताकि रेशियो रिमेन सेम, और यहाँ पर टू एफ बाय टू ए, ये पास्कल लॉ है। स्टेटमेंट के साथ आपने डायग्राम से एक्सप्लेन कर देना है। फिर आएगी पास्कल लॉ क्या है और हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल लॉ, ये एक्सप्लेन करो। तो आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, छोटा एरिया बड़ा एरिया, बड़ी फोर्स छोटी फोर्स,
अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ स्मॉल एफ बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाय कैपिटल ए, तो ये रेशियो बराबर कर देनी है। तो कैपिटल एफ इज स्मॉल ए क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े एफ की फोर्स निकाल लेनी है। तो अगर आपकी छोटी जो फोर्स है वो छोटी है तो बड़ी फोर्स बड़ी आएगी डिपेंडिंग अपॉन एरिया। तो यहाँ से शो कर देना है कि आपकी जो चाहे आपने फोर्स छोटी लगाई थी पर फोर्स उस लोड के ऊपर ज़्यादा ट्रांसफर हो रही है, ये एग्जाम्पल आपने एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आ सकता है पास्कल लॉ पे, जैसे वो सेम न्यूमेरिकल दे देगा कि अगर मान लो एक कार लिफ्ट है और उसमें हमने एफ वन फोर्स लगाई स्मॉल पिस्टन के ऊपर जिसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो एफ वन है पाई आर वन स्क्वायर है। दूसरी जगह पे रेडियस गिवन है तो एरिया आ जाएगा ए टू, तो ए वन आ गया ए टू आ गया, एफ टू निकालना है तो एफ वन बाई ए वन इजिकल टू एफ टू बाई ए टू, वहाँ से सॉल्व करके एफ टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है इसमें प्रेशर एग्जर्टेड बाई अ लिक्विड कॉलम, ये याद होना चाहिए अगर एक लिक्विड है एच हाइट तक तो ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा एच रोचे। क्यों लगेगा? क्योंकि नीचे बेस पे वेट क्या लग रहा है एम जी, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इसका एरिया इंटू एच है और डेंसिटी रो इंटू जी, तो इसको अगर हम एरिया ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर सिर्फ क्या आएगा एच रो जी। वैसे ये फॉर्मूला ही है कि एच हाइट ऑफ लिक्विड है तो बेस पे प्रेशर एच रो जी लगता है बस। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के अंदर ये मेंशनड है कि अगर आपके पास कोई भी लिक्विड है उसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा, इनमें अगर डिफरेंस एच है तो प्रेशर का डिफरेंस पी टू माइनस पी वन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी एच रोजी। ये भी आपको पता है कि लिक्विड की हाइट अगर एच है तो प्रेशर का डिफरेंस एच रोजी रहेगा। हाइट ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है इसमें यार, ये बार बार वही चीजें समझा रहा हूं कि पी ए माइनस पी बी क्या होगा एच रो जी, बस ये इसका मतलब है। जैसे एक पॉइंट बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, जो पॉइंट लिक्विड के सरफेस पे होता है वहां पर सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर लगता है, एक पॉइंट ए पॉइंट सबसे नीचे है एच डिस्टेंस पे, तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू एच रो जी, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर बी पॉइंट पे क्या होगा पी एटमोस्फेरिक, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। ठीक, तो ऐसा कुछ ये सिचुएशन है, कुछ नहीं करना है, ये नहीं चाहिए। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, स्ट्रेट एंड ट्रू आर्कमिडीज प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशन। तो आर्कमिडीज प्रिंसिपल में ये है कि अगर आपके पास एक लिक्विड है और अंदर एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर एक लिक्विड ऊपर से फोर्स लगा रहा है F1, नीचे से लगा रहा है F2, तो ये लिक्विड की ऊपर से हाइट क्या है x है, इस बॉडी की खुद की हाइट क्या है एच है। हाँ कट गया, फिर भी बता रहा हूँ दो लाइन में, बताना तो पड़ेगा आर्कमिडीज ना, तो आर्कमिडीज लगाना कैसे है ये तो एटलीस्ट कहीं भी आ सकता है। तो आर्कमिडीज प्रिंसिपल दो किस्म से लगता है, दो तरीके से लगता है। पहला तरीका कि अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है और उसको पूरी तरह पानी में आपने उतार दिया, वो तैर नहीं रही, पानी के बाहर उसका वेट कितना है W1 है और पानी के अंदर W2 है, तो आर्कमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब पानी के अंदर बॉडी गई तो लॉस इन वेट क्या है W1 माइनस W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जब ये बॉडी पानी में जाएगी तो पानी का वेट डिस्प्लेस करेगी, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, एक ही बात है, तो लॉस इन वेट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। और अगर मान लो ये बॉडी तैरती है तो आर्कमिडीज ऐसे लगता है कि अगर वी वॉल्यूम है टोटल और उसका हवा के अंदर वॉल्यूम वी डैश तैर रहा है और पानी के अंदर कितना समर्ज हो गया वी माइनस वी डैश, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, या होल वेट ऑफ द बॉडी एक ही बात है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है इंटू जी, तो वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। आपको ना देखना पड़ेगा क्वेश्चन में पूरी डूब गई या फिर पार्शियली सबमर्ज्ड है, पूरी डूब गई तो लॉस इन वेट इज अप थ्रस्ट, तैर रही है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी, तो जो भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो होल वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अप थ्रस्ट एक ही बात होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अप थ्रस्ट एक ही बात होती है। तो आर्कमिडीज में है दो लाइन का प्रूफ, कुछ करना नहीं है,
क्योंकि यहां पे जो प्रेशर लगेगा वो एक्स रो जी लगेगा, यहां पे जो प्रेशर लगेगा वो एक्स प्लस एच रो जी लगेगा, एरिया तो ए और ए है। तो इसमें जो फोर्स लगेगी ऊपर की सरफेस पे एक्स रो जी इंटू एरिया ए लगेगा, नीचे की सरफेस पे एक्स प्लस एच रो जी इंटू एरिया लगेगा, नीचे की फोर्स बड़ी ऊपर की फोर्स छोटी, तो नेट फोर्स बॉडी पे ऊपर लगेगी और क्या लगेगी एफ टू माइनस एफ वन, माइनस करके टर्म आएगी। और ऊपर की फोर्स का दूसरा नाम है अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट में एरिया इंटू हाइट क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी या लिक्विड एक ही बात है, और डेंसिटी किसकी चल रही है, लिक्विड की इंटू जी। तो अप थ्रस्ट प्रूव हो गया, अप थ्रस्ट मीन्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात है। तो आर्कमिडीज भी तो यही कह रहे हैं कि जो लॉस इन वेट है वही क्या है अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट क्या है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात है, और यही चीज आर्कमिडीज आपको समझा रहे हैं। कम चांस है आर्कमिडीज के ऊपर क्वेश्चन आने के, कम होते हैं वैसे चांस, क्योंकि आर्कमिडीज एक कॉन्सेप्ट है, आर्कमिडीज कोई चैप्टर नहीं हम कर रहे, ये तो कहीं भी लग जाता है, आपने देखा होगा कहीं भी आ जाता है, किसी भी चैप्टर में आ जाता है क्योंकि हाँ सिर्फ यही नहीं प्लस टू के अंदर भी चार्जेस के अंदर भी आ जाएगा, कोई भी चीज पानी में गई अर्थक लगा देंगे, तो एक बीच बीच में आता रहेगा। तो इसलिए प्रूफ से इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट को जानना। जैसे इसका एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि आइसबर्ग एनसीईआरटी का यही फेमस क्वेश्चन है एक कि आइसबर्ग है और वो तैर रहा है पानी में, और आपको बताना है कितना फ्रैक्शन हवा में तैर रहा है ये बताओ। तो कितना वॉल्यूम हवा में है वी डैश, और टोटल वॉल्यूम क्या है वी, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो हवा में है वो क्या है वी डैश अपॉन वी, वो आपको बताना है कितना है। तो इसके अंदर ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है जिसकी वैल्यू क्या होगी वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और क्योंकि ये तैर रहे तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, होल वेट में वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, क्योंकि बॉडी किसकी बनी हुई है आइस की, इंटू जी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यहां से सॉल्व करके वी डैश बाई वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि डेंसिटीज आपको दोनों की बने। तो आर्कमिडीज के ऊपर थोड़ा सा इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव डेंसिटी पता होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ये डेफिनेशन बस पता होनी चाहिए, कुछ नहीं करना आपने इसमें। ये टाइप की प्रॉब्लम भी आ सकती है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आपको वो ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा ट्यूब के ऊपर कि यहाँ पर जैसे कोई भी लिक्विड देगा इक्विलिब्रियम में पड़ा होगा, जैसे यहाँ पर स्पिरिट है, ये एच है, ये एच है और ये वाटर है, तो वो आपको इक्विलिब्रियम बनाने होते हैं। कैसे, एच रोजी स्पिरिट का प्लस एच रोजी फॉर मरकरी इक्वल टू एच रोजी फॉर मरकरी प्लस एच रोजी ऑफ वाटर, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हाइट के हिसाब से एच रोजी, तो ऐड कर दो इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर इक्वल टू इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, ऐड करके जो क्वेश्चन में पूछा है वहां से आंसर निकाल लेना। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, एच रोजी का कॉन्सेप्ट है इसमें, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस टाइप से तो नहीं आएगा, बस बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया इसमें क्या आना है, ये तो मतलब ही नहीं है, तो कॉम्पिटिशन का सारा काम है। ज्यादातर ना इसमें बर्नौलीज वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है स्कूल्स के हिसाब से। उल्टा प्रेशर भी ज्यादा लिखा हुआ है अपने उससे लिमिट से, प्रेशर भी शीट्स में ज्यादा लिखा गया है। मरकरी बैरोमीटर, देखो मरकरी बैरोमीटर बैरोमीटर जो है वो प्रेशर को मेजर करता है गैस या वाटर का, गैसेस के लिए स्पेशली, किसी भी चीज को वैसे प्रेशर मेजर करता है, एयर का भी कर देता है। तो इसका ये बैरोमीटर का काम है, और आता नहीं है इसमें, मैनोमीटर गैस का प्रेशर मेजर करता है, तो इसके ऊपर भी चांस थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हैं इसे जाने से पहले, ऐसा नहीं है कि आपके बुक्स में नहीं गिवन, बट थोड़ा सा बर्नौलीज के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर के ऊपर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। आप मतलब ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दें, इसको गो थ्रू कर लें एक बार, पर अदरवाइज ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको ये बिना हमारा काम नहीं चलेगा, चलता ये नहीं आएगा, ये तो टफ है यार, ये नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा ऐसा। विस्कोसिटी, देखो विस्कोसिटी में से क्या आएगा, विस्कोसिटी का मतलब एक प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड की प्रॉपर्टी फ्लो करते हुए अपने आप को ही रेजिस्ट करता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला कि अगर दो मान लो लिक्विड की, लिक्विड मूव कर रहा है, उसकी हम लेयर्स इमेजिन करें, लिक्विड की दो कंसेक्टिव लेयर्स हैं, एक की वेलोसिटी वी और एक की वेलोसिटी वी प्लस डीवी है, तो इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाती है। जब लिक्विड फ्लो करता है तो लेयर्स में फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाती है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू ये फॉर्मूला है माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स।
ये इसका फॉर्मूला है, माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो नेक्स्ट है, इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, मेटल प्लेट वाला क्वेश्चन है, एक मेटल प्लेट का एरिया आपको गिवन है, तो ये एरिया आपको इसका गिवन है, तो एरिया लिख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसका मास भी गिवन है, और ये यहाँ पर ना ऑयल है एक, ये ऑयल गिर रखा है इसके ऊपर, जो थिकनेस ऑफ द ऑयल है वो 0.3 mm है, तो ये थिकनेस है। थिकनेस का मतलब है डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.3 mm है, और आपको ये बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है 0.085 meter per second। तो आपको ये बताना है कि फाइंड कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको ईटा बताना है इसमें क्या होगा। जब ये आगे मूव कर रहा है तो यहाँ पर टेंशन क्या है, टी, और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगी एफ, क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो आगे और पीछे की फोर्स एग्जैक्टली सेम है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला ईटा ए डी वी बाय डी एक्स है। लोअर पार्ट ऑफ द ऑयल की वेलोसिटी जीरो रहेगी और अपर पार्ट की वेलोसिटी आपको गिवन है, तो डी वी की वैल्यू 0.085 माइनस जीरो मार्क करेंगे, डी एक्स की वैल्यू, ये डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू आपको थिकनेस गिवन है 0.3 mm, ये गिवन है आपको, एरिया आपको गिवन है, और टेंशन यहां से आ जाएगी टी इज इक्वल टू कितना, 0.01 g, इसकी टेंशन है, टेंशन वेट के इक्वल है। तो टेंशन वेट से आ गई, ईटा निकालना है, एरिया ऑयल का गिवन है, वेलोसिटी आपको गिवन है, डी एक्स आपको गिवन है, ईटा कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस ये एग्जाम्पल एक फेमस एग्जाम्पल है विस्कोसिटी को लेके। नेक्स्ट है इसमें, विस्कोसिटी में वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम होती है, ये याद रखना है, ठीक। पॉइसलीज फॉर्मूला, अगर आपके पास एक ट्यूब है उसमें लिक्विड मूव कर रहा है, उस ट्यूब में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, उसका फॉर्मूला याद रखना है, पाई बाई 8 पी आर 4 बाई ईटा एल, ये आपका फॉर्मूला है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला है। स्ट्रोक्स लॉ, अगर आपके पास कोई स्फेयर है और वो एक लिक्विड के अंदर नीचे मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वी, तो लिक्विड उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, जिसका फॉर्मूला स्फेयर के ऊपर 6 बाई ईटा आर वी। स्ट्रोक्स लॉ आ जाता है पेपर में कि क्या फॉर्मूला है स्ट्रोक्स लॉ का, और साथ में उसका प्रूफ भी करो। ये फॉर्मूला प्रूफ आपने डायमेंशनल फॉर्मूला से करना है, तो आपने ऐसे लिखना है कि जो फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू पावर ए, रेडियस है रेज टू पावर बी, वेलोसिटी है रेज टू पावर सी। फिर आपने यहां पर एक कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट लगा के ईटा आर वी ए बी सी करना है, डायमेंशन फॉर्मूलास पुट करने हैं, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, ईटा का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, आर का लेंथ है और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन है। सॉल्व करके ए बी सी निकालना है, ए बी सी 1 1 1 आएगा, कांस्टेंट को 6 पाई पुट करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला से एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी कर देना है, आ सकता है ये, ठीक। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला से। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी आ सकती है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब, जब आप एक लिक्विड के अंदर किसी भी स्फेयर को ड्रॉप करते हैं, तो वो मान लो लोहे का स्फेयर है, वो नीचे वेलोसिटी पहले बढ़ाएगा, फिर इंक्रीज करता 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 एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेगा, उस कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन उसकी जीरो हो जाएगी, जीरो तब होगी जब नीचे और ऊपर की फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। नीचे की फोर्स क्या है, इसमें लिखवाया था शायद मैंने, नीचे की जो फोर्स है वो क्या है, वेट, ऊपर की फोर्स क्या है, अप थ्रस्ट एंड एफ। तो वेट में ऐसे करेंगे, इसका वॉल्यूम अगर वी है, वी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, और अप थ्रस्ट में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिक्विड का भी वी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, एफ की जगह क्या लिखेंगे, 6 पाई ईटा आर वी, और इस वी का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। वॉल्यूम की जगह पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर भी और यहां पर भी। सॉल्व करके वी टी की वैल्यू आ जाएगी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाय जी, कुछ ऐसा फॉर्मूला करवाया था। तो ये प्रूफ आ सकता है टर्मिनल का। टर्मिनल के ऊपर एक ड्रॉप वाले ये आता है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन यही आता है टर्मिनल का, कि अगर आपके पास 8 रेन ड्रॉप्स हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं, छोटे ड्रॉप का रेडियस 1 mm है, कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप नीचे गिरता है, उसकी वेलोसिटी टर्मिनल क्या होगी, अगर छोटे की वेलोसिटी 5 है। तो आप पहले वॉल्यूम इक्वेट करें, वॉल्यूम इक्वेट करके छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम बड़े के इक्वल करें, दोनों का रेडियस आ जाएगा। तो छोटे का रेडियस पता है,
बड़े का रेडियस निकाल लेना। फिर उसके बाद टर्मिनल का फॉर्मूला यूज करें। टर्मिनल के फॉर्मूले में पहली डेंसिटी होती है बॉडी की जो गिर रही है, और यहाँ पर ड्रॉप गिर रहा है तो पहली डेंसिटी किसकी? पानी की। और दूसरी डेंसिटी होती है मीडियम की, किस मीडियम में गिर रहा है? एयर में। तो इस फॉर्मूले में टर्मिनल रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो पहले छोटे ड्रॉप का रेडियस पता है, वेलोसिटी पता है, बड़े ड्रॉप का रेडियस वॉल्यूम से निकाल लिया और वेलोसिटी निकाल के डिवाइड करके वीटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है टर्मिनल वेलोसिटी की, ये हमने कर लिया। पाइप्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है वैसे इसमें, फिर भी ये वाला न्यूमेरिकल तो देख ही जाना, प्रूफ फिर भी आ सकता है, प्रूफ वाले क्वेश्चन फिर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं आती इसमें। ना ना ये तो कंपटीशन है, ये तो करना ही नहीं है। फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो में दो ही चीजें करने वाली, एक बर्नौलीज और एक एफ्लक्स, दो चीजें हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पूरा चैप्टर तो, पूरा पेपर तो बनेगा नहीं, पांच में से कितने की क्वेश्चन डाल देगा। एक्सेस प्रेशर इंपॉर्टेंट है, एसेंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और आपकी सरफेस टेंशन के ऊपर कोई ना कोई जो कोई न्यूमेरिकल वो भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक न्यूमेरिकल। बर्नौलीज इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। एफ्लक्स की थ्योरी एक लेवल तक ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आती एफ्लक्स के ऊपर भी। इसके पहले टर्मिनल आ गया और स्ट्रोक्स लॉ हो गया, उससे पहले इलास्टिसिटी, बहुत क्वेश्चन है, ढेर लगा पड़ा क्वेश्चन का यार, एक साइड थोड़ा डाल देगा। तो इंपॉर्टेंट भी अगर देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स ये चैप्टर आने वाला है नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन की बात अलग है, उसमें तो सारा कुछ ही करना पड़ता है। अगर बेसिक बेसिक बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपके पास है, वो पता है उसमें से क्या क्या करना है, उसमें आप कुछ भी चीज़ फालतू डाली नहीं है, टू दी पॉइंट उसमें शीट्स बनी हुई हैं सारी, तो पहले वो जरूर करना ठीक। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन का मतलब एक स्मूथ फ्लो है, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? पाथ है, एक ऐसा पाथ जिसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। जैसे मान लो एक लिक्विड का पार्टिकल ये रास्ता फॉलो करता है, इस रास्ते को रास्ता नहीं बोलते, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी क्या आ जाएगी, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो टर्बुलेंट का मतलब कि जब कोई लिक्विड चर्न्ड अप मिक्स हो के बाहर निकले उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो इसके अंदर दो किस्म के फ्लोज हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, तो अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, और अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए तो फ्लो टर्बुलेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी की डेरिवेशन इसे मेंशन की हुई है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो उसका वैसे ये फॉर्मूला होता है, ये याद करना है, लेकिन प्रूफ अगर आ जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला से करना है। क्रिटिकल वेलोसिटी याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट है, डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब पे डिपेंडेंट है। तो आपने वही सेम काम करना है डायमेंशन फॉर्मूला में, रेज टू पावर ए, रेज टू पावर बी, रेज टू पावर सी, सॉल्व करके ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला आपके पास तैयार हो जाएगा ठीक है। अगर मान लो आ जाए, वैसे चांस कम है। रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो ये बताता है कि आपका लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। तो ये फॉर्मूला रेनॉल्ड नंबर का याद ही करना है, इसका भी कोई कुछ कर नहीं सकते। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू वैसे मैंने लिखी हुई है 0 से 2000 जो स्ट्रीमलाइंड है, और अगर 3000 से ऊपर टर्बुलेंट है, और 2000-3000 के बीच में अनस्टेबल है, और क्या लिखा हुआ है और भी कुछ और लिखा 0 से 1000 कहाँ पर लिखा है, एनसीईआरटी रेफर कर लेना, स्कूल में एनसीईआरटी रेफर कर लेना, बस एनसीईआरटी जो मेंशन है वही वैल्यूज के साथ काम करना ठीक। वैसे जेई के अंदर 1000 को क्या बोलता है, स्ट्रीमलाइन, और 2000 के ऊपर टर्बुलेंट, और 1 और 2 के बीच में कुछ भी। तो जेई में इनके सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्व, मतलब वो ये वैल्यूज को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही थी। वैसे काफ़ी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, पर वो भी लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन है। तो हमने जब जेई मेन्स देखा तो 1000 तक स्ट्रीमलाइन लेके सॉल्व करता है, तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना जेई मेन्स में ठीक। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सबको पता है, A1V1 A2V2। A1V1 क्या होता है, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो इसके अंदर बर्नौलीज थ्योरम, तो जब एक लिक्विड फ्लो करता है एक पाइप में तो किसी भी पॉइंट पर सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट विल रिमेन सेम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक पर यूनिट मास, प्रेशर पर यूनिट मास, तीनों का सम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये याद करके जानी है, लिखना है ये, इसका प्रूफ आएगा। प्रूफ में ये लिखना है, अपने डायग्राम बनाना है,
पी वन है, पी टू है, वी वन है, वी टू, ऐसे आपके ये वैल्यू ड्रॉ करनी है। फिर आपने एक लाइन इसमें देखो ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी, फॉर्मल फॉर्मल होना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कि इमेजिन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, मैंने कंसिडर किया विच इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू वी, व्हेन अ लिक्विड एंटर्स पॉइंट ए इट वेलोसिटी इज वी वन, व्हेन इट कमिंग आउट वेलोसिटी इज वी टू, एरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ए वन ए टू, हाइट एच वन एच टू, मतलब भर देना है ऐसे 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 करके, ऐसे एक लाइन ऐसे नहीं ऐसे लगे कि पर नॉलेज चल रही है, ठीक है। फिर लिखना है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ए वन वी वन ए टू वी टू, डेंसिटी से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी का मतलब है मास एंटरिंग पर सेकेंड, मास कमिंग आउट पर सेकेंड विल रिमेन सेम। तो ये एम है, तो यहाँ से ए वन वी वन ए टू वी टू की वैल्यू एम बाई रो आ गई। फिर आपने एक लाइन इसमें ऐसे लिखनी है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट सा हो गया, इसमें शायद लिखवाया करेक्शन नहीं करवाई थी मैंने, कि इसमें ये करना है वर्क डन बाय लिक्विड या वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। मतलब प्रेशर एनर्जी का वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स ऐसे बताया था फोर्स इंटू वेलोसिटी। वैसे फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होती है, पावर होती है, पावर क्या होता है वर्क डन पर सेकेंड। तो हम भी यही कह रहे हैं कि वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी, फोर्स को लिखें प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये वर्क डन पर सेकेंड है बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो नीचे प्रेशर ज्यादा है पी वन है, एरिया ए वन है, वॉल्यूम वी वन है, तो इतना वर्क डन नीचे हुआ, ऊपर कितना हुआ बाहर निकालने में पी टू ए टू वी टू, ये आ गया नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड। इससे लिक्विड ऊपर चल गया और काइनेटिक एनर्जी में में चेंज आ गया, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, और पोटेंशियल भी बढ़ गई एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। इंपॉर्टेंट ये करवाया था, जब प्रेशर एनर्जी का वर्क डन होगा तो ये वन का बड़ा होगा टू का छोटा होगा, नीचे से प्रेशर बढ़ता है ऊपर कम होता है, लेकिन पोटेंशियल काइनेटिक में टू वाली टर्म आगे और वन वाली टर्म पीछे, बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन्हें अगर आप ओपन कर लें, ओपन करके सॉल्व करें, अपने आप ही ये इक्वेशन आ जाएगी बर्नौलीज, बस यही थी बर्नौलीज। तो जो मैंने इक्वेशन मेन लिखी, अगर आप वो लिख दें और ओपन करें, अपने आप बर्नौलीज की इक्वेशन अपने आप प्रूव हो जाएगी, ठीक। इसमें इस टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाय टू जी को वेलोसिटी हेड, और एच को बोलते हैं एलिवेशन हेड, ये याद रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बर्नौलीज की जो क्वेश्चंस हैं, बर्नौलीज के क्वेश्चंस के अंदर एरोप्लेन वाला क्वेश्चन और रूफ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक एरोप्लेन है, टेस्ट एक्सपेरिमेंट है, और वो लटका हुआ है, और नीचे और ऊपर वेलोसिटीज आपको दी हुई हैं, वी वन वी टू दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है लिफ्ट ऑन अ विंग कितना है, लिफ्ट का मतलब फोर्स ऑन अ विंग कितना है, ये आपको बताना है, और एरिया आपको पता है। तो आप इसमें बर्नौलीज लगाएं प्लेन के नीचे और ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर ना करें, ये कैंसिल करें हमेशा, पी वन माइनस पी टू एक तरफ, वी टू और वी वन एक तरफ, वेलोसिटीज आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, यहाँ से क्या आएगा प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी फोर्स आ जाएगी। तो बर्नौलीज थ्योरम से क्या निकलेगा, प्रेशर का डिफरेंस। तो ऐसा करना है, जैसे नेक्स्ट है हवा चल रही है एक हट के ऊपर, अंदर वेलोसिटी जीरो है, बाहर की वेलोसिटी उसने आपको दे दी, डेंसिटी आपको पता है, फिर से आपको एरोडायनामिक लिफ्ट निकालना है, एरोडायनामिक लिफ्ट का मतलब फोर्स निकालनी है, फिर से आप प्रेशर का डिफरेंस निकाल लें, रूफ के एरिया से मल्टीप्लाई करें फोर्स आ जाएगी। प्रेशर के डिफरेंस के लिए फिर से बर्नौलीज लगाएं, हाइट को ना देखें, प्रेशर डिफरेंस आएगा, एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स की वैल्यू आएगी। ये बर्नौलीज थ्योरम है, इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जो ये कहती है कि अगर आपके पास ये लिक्विड है, ये होल है, होल में से कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलता है उसको एफ्लक्स की वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसके अंदर आप होल की हाइट जमीन से एच डैश है, ऊपर से एच है, तो एफ्लक्स कैसे निकलेगा, आप दो पॉइंट लें एक अंदर और एक बाहर, एक्स और वाई। तो यहाँ पर बर्नौलीज लगाएं, एक्स पॉइंट अंदर है, एच डिस्टेंस पे है, एक्स पे प्रेशर लिखें एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, हाइट को तो लेना ही नहीं है, अंदर की वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेट लिक्विड की जीरो होती है, बाहर की वेलोसिटी पी एटमोसफेयर होती है, और ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है। सॉल्व करेंगे अपने आप आंसर ही आ जाएगा, बस बर्नौलीज लगाएं एफ्लक्स आ गई। फिर वो रेंज पूछ लेगा, रेंज के लिए एच डैश हाइट लिक्विड नीचे गिरा, तो रेंज के लिए एच डैश इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाइट आ गई टाइम आ गया, और रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इनटू टाइम, एफ्लक्स पता है टाइम पता है, मल्टीप्लाई करके टू बाहर आएगा, रेंज का ये फॉर्मूला आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बस यहीं तक है, ठीक। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं आने वाला, नहीं आने वाला।
बर्नौली दी आएगी वैसे इसमें ज्यादातर। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, एक मिनट। सरफेस टेंशन देखो, सरफेस टेंशन में दो चार चीजें करने वाली हैं, ज्यादा नहीं है। पहली चीज, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है, इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन का पहला फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ है। सरफेस टेंशन के अंदर ये सारी कहानी तो मैंने समझा रखी है, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन है। सरफेस एनर्जी है वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया, तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया, वर्क डन डिक्रीजिंग द एरिया, ये सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला है, ये याद रखना है। इसके अंदर जो पेपर में आएगा वो कुछ ऐसा आएगा केस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे हैं और वो टूट रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल ये कर, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, तो इसके अंदर ये सोप की फिल्म है, सोप की फिल्म में ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये रेस्ट पे है तो कौन इसे नीचे गिर रहा है, इसका वेट, और कौन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसको बचा रहा है, अपने एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की फोर्स है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, पर क्योंकि इसकी दो फ्री सरफेस है, इधर भी एयर और इधर भी एयर है, तो टू से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये और ये अगर बराबर हो जाए तो इस केस में ये स्लाइडर रेस्ट पे रहेगा, बस ये याद रखना है इसमें। फिर ये याद रखना है, मैंने लिखवाया भी था फॉर्मूला बुकलेट में, कि अगर डी लिक्विड, एक लिक्विड का ड्रॉप है कैपिटल डी डायमीटर का, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि बड़ा ड्रॉप छोटे वॉल्यूम में ब्रेक हो रहा है, तो क्या निकालना है, रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी निकालनी है। रूल एक ही है कि आप रेडियस की रेशियो तो निकाल ही लेंगे, जो वर्क डन है या जो एनर्जी रिलीज है वो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, बस ये सबसे सही फॉर्म। टेंशन की वैल्यू तो इसमें टी है और एरिया क्या है, एन इंटू फोर बाई, छोटे ड्रॉप का एरिया बड़ा है और बड़े ड्रॉप का एरिया छोटा है। तो आप 27 आपको गिवन है, यहाँ से आंसर निकाल लेना, एक ही फॉर्मूला है। एनर्जी रिलीज्ड हो तो भी यही फॉर्मूला है और वर्क डन हो तो भी यही फॉर्मूला है, एक ही बात है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, जैसे ये क्वेश्चन है, ड्रॉप्स जो हैं वो क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर बताओ बड़े ड्रॉप का। रूल वही है, पहले आप छोटे वॉल्यूम और बड़े वॉल्यूम को इक्वेट करके एन की रेशियो निकाल लो। एनर्जी रिलीज क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू डिक्रीज इन एरिया, चेंज इन एरिया छोटे ड्रॉप का एरिया माइनस बड़े ड्रॉप का एरिया इज इक्वल टू, जो भी एनर्जी रिलीज होगी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मास की वैल्यू बड़े ड्रॉप की, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, स्पेसिफिक हीट भी 1 है, डेल्टा थीटा आपको निकालना है, क्योंकि ये जूल है, क्योंकि ये कैलोरीज है, ये जूल है, जूल को कैलरी में कन्वर्ट करने के लिए जे यूज कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा थीटा आ गया, यहाँ से 4π कॉमन निकाल लिया, 4π कैंसिल होकर ये टर्म आ गई, इस टर्म में n की जगह पुट कर लिया या r क्यूब को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, n की जगह जो वॉल्यूम से निकाला वो पुट किया और आंसर आ गया, बाकी मैथ है आपका।
बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही रहेगा जो मैंने बताया। इसके अंदर जो नेक्स्ट है एक्सेस प्रेशर, ये आ जाता है। एक्सेस प्रेशर किसके अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर या बबल के अंदर? ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या है, आपने डायग्राम बनाना है, आपने ये बोलना है इसमें, देखो लिखना पड़ेगा इसमें सारा। बेसिक चीज़ इसमें यही है कि फोर्स इंटू रेडियस में चेंज क्या आया, डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है। तो ये वर्क डन ने क्या किया, सरफेस टेंशन की फॉर्म में एनर्जी को भर दिया। सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया क्या है, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, इसे ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4πr² से ये कैंसिल और डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल कैन बी निगलेक्टेड। तो ये यहाँ से इक्वेट करके अपने आप जो पी की वैल्यू आएगी वो एक्सेस प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर जो है लिक्विड के अंदर का प्रेशर माइनस एटमोसफेयरिक प्रेशर का ये फॉर्मूला है। अगर पेपर में बबल आ जाए तो सेम डेरिवेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। तो यहाँ से इक्वेट करके आंसर आएगा, ये याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है इसमें एसेंट फॉर्मूला। देखो एसेंट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एसेंट फॉर्मूला में बस आपने ये याद रखना है कि एक ट्यूब है, आपने लिक्विड के अंदर ट्यूब को डाल दिया, जो ये डायग्राम बनाना है आपने, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, तो यहाँ पर और यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर ही है। लेकिन जब मेनिस्कस ऐसा था तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा कम था बाई 2t/r, फिर r बड़ा r रेडियस ऑफ मेनिस्कस नॉट ट्यूब, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है यहाँ कम है, प्रेशर डिफरेंस है, तो लिक्विड ऊपर चढ़ गया हाइट ऑफ h, तब तक ऊपर चढ़ा जब यहाँ और यहाँ का प्रेशर क्या नहीं हो गया, सेम। जब सेम हो गया तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या है, पी एटमोसफेयर, और राइट साइड का प्रेशर क्या है, जो भी पहले था उसमें एच लोजी ऐड करके हाइट की वैल्यू आ गई, इसको क्या बोलते हैं, एसेंट फॉर्मूला। इसके अंदर अगर मान लो रेडियस ऑफ ट्यूब की फॉर्म में आंसर निकालना है तो डायग्राम बनाओ, कॉस थीटा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कर दो, वेयर एंगल थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास ये आंसर आएगा, ये हाइट की वैल्यू, यहाँ तक आपने प्रूफ करके आना है, एसेंट फॉर्मूला हो जाएगा प्रूफ। तो एसेंट फॉर्मूला प्रूफ करना है, और अगर ट्यूब इनसफिशियंट लेंथ की है तो ये फॉर्मूला लिखें, एच आर एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो अगर सफिशियंट लेंथ नहीं है तो ये टर्म तो कॉन्स्टेंट है, तो आप बोलेंगे एच वन आर वन इज एच टू आर टू, मतलब अगर हाइट कम होगी तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस ज़्यादा होगा, बस ये आपने प्रूफ करना है। ठीक, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ लेनी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, सॉल्युबल टर्म डालने से सरफेस टेंशन में क्या असर पड़ता है, ये आपने इसमें देखना है।